गुड आफ्टरनून वेलकम टू आराध्य क्लासेस स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के अंदर आज मैं टेक्स्ट बुक में सम नंबर 14 पर पेज नंबर 156 सम नंबर 14 निर्मी स्टोर्स वो वाला सम करवा रहा हूं जिसमें चारों बुक्स आपको मेंटेन करने की है। परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आप देख सकते हो मैंने चारों बुक्स यहाँ पर मेंटेन करी हुई है। अरे तो अच्छी तरह ध्यान रखना, जो ट्रांजेक्शन जिसका भी हो, अगर परचेस का ट्रांजेक्शन तो परचेस बुक में लिखने का, सेल्स का ट्रांजेक्शन तो सेल्स बुक में, परचेस रिटर्न का परचेस रिटर्न में और सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में। बरोबर, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान रखना। कोलमनर परचेस बुक है, कोलमनर सब्सिडरी बुक है जिसमें तीन चीज बताई हुई है, बॉल बैट और स्टंप। निर्मी स्टोर्स जो है यहाँ पर वो स्पॉट स्टोर्स यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, थ्री आइटम्स यहाँ बेच रही है, बॉल बैट और क्या लिखा है स्टंप। तो तीनों का यहाँ पर परचेज और सेल्स एक्टिविटी हो रही है और ओनली क्रेडिट एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स। तो ये माइंड में ध्यान रखना। स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर ट्रांजेक्शन फर्स्ट जिसमें लिखा हुआ है 2015। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह ध्यान रखना, लिखा है परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम सरिता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो आपको बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करना है नहीं, ओनली ट्रेड डिस्काउंट जो डिडक्ट करने का होता रहता है वो ध्यान रखना। सब्सिडरी बुक में कैश डिस्काउंट कोई भी जगह पर आएगा नहीं, वो पॉइंट ध्यान रखना। इधर परचेस कर रहे फ्रॉम सरी, क्या लिखा है सानिया, नेम फर्स्ट 2000 यहां पर लिखा हुआ है 15 2015 मई फर्स्ट परचेज फ्रॉम सानिया, तो ओनली नाम लिखता हूं यहां पर सानिया। 10% रेट डिस्काउंट माइनस करोगा, पहले बॉल 200 नंग बॉल परचेस करते, एक बॉल की कीमत लिखी हुई यहां पर 150, तो 200 इंटू 150 करोगे तो फ्रेंड्स 30,000 आएगा और 30,000 बॉल में लिखने का अमाउंट, उसमें से 10% रेट डिस्काउंट माइनस करके लिखने का, तो 30,000 का 10% मतलब 3,000 आएगा, माइनस करके लिखोगे तो 27,000। बिल नंबर लिखा है, बिल नंबर आपको मेंशन करा हुआ है नहीं तो आपको लिखना नहीं है, इधर डैश कर दो। फिर बैट, बैट भी लिखा हुआ है 100 बैट्स, एक बैट की कीमत 800, तो टोटल 80,000 आएगा। 80,000 में से 10% यहां पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 72,000 जो इधर अमाउंट आएगी। और बाद में स्टंप 10 यहां पर लिखा है कितना 50 स्टंप, एक स्टंप की कीमत 300 रुपीज बताइए, समझ लेना, तो 50 × 300 15,000 हो गए और 15,000 में से भी आपको 10% रेट डिस्काउंट माइनस करके इधर लिखना है 13,500। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखो ये परचेस बुक में पहली एंट्री यहां पर कंप्लीट कर दी, फिर तीनों का टोटल करके आपको लास्ट में टोटल में बनाने का है। एक कोलम नर सब्सिडरी बुक है, ध्यान रखना थ्री कोलम और लास्ट में टोटल करने का है 500, 3, 2, 5 और 7, 12, 1, 3 और 7, 10 और 11, 112,000 कितना हो जाएगा 500। तो फ्रेंड्स देखो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पर बुक में से मैंने कंप्लीट कर दिया। बरोबर, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 5 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू मलिक एट 5% क्या लिखा है ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स बेचते हैं तो कहां पर लिखने का आपको, सेल्स बुक के अंदर, ध्यान रखना खास। सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू मलिक एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां पर लिख रहा हूं 2015 मई, डेट आपको बताई हुई है 5, ओनली आपको लिखने का है मलिक। बराबर, बिल नंबर आपको मेंशन करा हुआ है नहीं तो नहीं लिखने का। बॉल 60 बॉल, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहा प्रॉपर, 60 बॉल इंटू 250 पर बॉल, तो कितना होगा 60 इंटू 250 करोगे तो 15,000 आएगा और 15,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 5% लिखा हुआ है, तो 15,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा 750, तो माइनस करने के बाद यहां पर आएगा 14,250 बॉल में लिखने का। फिर सेम बैट, बैट कितना है 30 बैट और 1,000 रुपए पर पीस लिखा हुआ है,
तो 30,000 आएगा, 30,000 का भी सेम 5% रेट डिस्काउंट निकालो तो 1500 आएगा, तो बैट में लिखने का 28,500। और बाद में फिर क्या लिखा है, स्टंप, स्टंप की बात करोगे, स्टंप लिखा हुआ है 10 स्टंप, एक का 500 रुपए लिखा हुआ है, तो 5000 हो गया, उसमें भी 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 5000 का 5% मतलब 250 आएगा, इधर आएगा 4750, बराबर माइनस करने के बाद कितना आएगा 4750। तो फ्रेंड देखो ये तीनों इंडिविजुअल अमाउंट आ गई, बॉल बैट और स्टंप, तीनों का टोटल यहां पर बाहर आउटर कॉलम में लिख दो, इधर 0 5 और 5 10 1 3 5 8 और 10 15 1 5 और 8 13 और 4 17 1 2 2 4 47,500 बराबर। तो मलिक को मैंने कितने रुपीस का गुड्स बेचा, 47,500। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर देखो, नेक्स्ट 10 जिसमें लिखा हुआ है परचेस फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम कपिल, तो कहां पर लिखना है आपको, परचेस बुक के अंदर इधर मेंशन करने का है, क्या लिखा है, परचेस फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम कपिल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बॉल 30 160 पर बॉल, फिर लिखा है बैट 20 1200 पर पीस एंड स्टंप 6 एट 400 पर बैट, बराबर। इधर डेट लिख रहा हूं, जैसा कि मैं परचेस बुक के अंदर आपको मेंशन करने का है, तो परचेस बुक के अंदर लिख रहा हूं, इधर डेट कौन सी आएगी, पहले 10 डेट, इधर 10 डेट लिख रहा हूं, फिर कपिल गुड्स किससे परचेस कर रहा हूं, यहां पर 10 डेट लिख रहा हूं, कपिल से गुड्स परचेस कर रहा हूं, तो यहां पर खाली लिखने का कपिल, बिल नंबर दिया हुआ है नहीं तो इधर डैश कर दो, कितना लिखा हुआ है 30 बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी लिखी है 160, तो 30 इंटू 160 मतलब 4800, 30 इंटू 160 मतलब 4800, उसमें से 10% रेट डिस्काउंट माइनस करो, तो 4800 में से कैलकुलेशन अच्छी तरह करना, 480 माइनस करोगे तो आएगा 4320, बॉल में लिखने का 4320, फिर आएगा बैट 20 बैट 1200 रुपीस पर पीस लिखा हुआ है, तो 20 इंटू 12 करोगे तो 24000 आएगा, 24000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 2400, तो माइनस करके कितनी अमाउंट आएगी 21600, वो आपको बैट में लिखने का 21000 कितना आएगा 600। वर्किंग खास ध्यान रखना, भूलना पड़े। और लास्ट में फिर स्टंप, कितना लिखा है स्टंप में, यहाँ पर 6 स्टंप, एक स्टंप की कीमत 400 रुपए लिखा हुआ है, तो 2400 होगा, बराबर 6 × 400 मतलब 2400, उसमें से भी 10% रेट डिस्काउंट माइनस करो तो कितना आएगा 2160, बराबर। तो फ्रेंड्स परचेस गुड्स फ्रॉम क्या लिखा है, कपिल, कपिल से हम गुड्स परचेस करते, तीनों का टोटल यहां पर आपको बता रहा है, यहां पर 0, 8, 3 और 4, 6, 9 और 1, 10, 5, 6, 2, 8, 28,080, बराबर 28,080 परचेस गुड्स फ्रॉम कपिल, बराबर। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 13 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लिखा है, फॉलोइंग गुड्स सोल्ड टू यूसुफ, सोल्ड लिखा है तो आपको यहां पर सेल्स बुक के अंदर बताने का, ओनली नाम लिखने का यहां पर यूसुफ, बराबर 5% रेट डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो जो भी गुड्स बेचते हैं सब में 5% रेट डिस्काउंट आपको डिडक्ट करना है। पहले बॉल 40 बॉल है, एक बॉल की कीमत 200 रुपए लिखा हुआ है, तो 40 × 200 मतलब 8000 होगा, और 8000 में से 5% रेट डिस्काउंट माइनस करो तो 8000 का 5% मतलब 400 रुपए आएगा, तो यहां पर आपको बताने का है 7600 बॉल में आएगा। फिर उसके बाद बैट, बैट के अंदर अमाउंट कितनी आएगी, तो 30 बैट है, एक बैट की कीमत 1300 है, 1300, तो 30 × 1300 तो 39000, कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 30 × 1300 तो 39000 आएगा यहां पर, उसमें से 5% आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बराबर 5% आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी यहां पर 1950 0 37050, कितना आएगा बैट में 37050,
यूसुफ को हम बेच रहे इतने बेट अरब और लास्ट में स्टम्प 10 स्टम्प, एक स्टम्प की कीमत 700 रुपए है, तो 700 × 10 करोगे तो 7000 रुपए होगा बराबर। उसमें से भी आप 5% रेट डिस्काउंट माइनस करो तो 350 आएगा, मतलब आएगा 6650, जो आपको यहाँ पर बताने का स्टम्प के अंदर 6650। ये तीनों का टोटल करके चेक कर लो, 0, 10, 1, 7 और 6, 13, 1, 8 और 7, 15 और 6, 21,300 कितना होगा 51,300। तो फ्रेंड्स देखो, पहले 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं बराबर, जो परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन से। फिर उसके बाद डेट 15 जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, लिखा क्या है, यूसुफ रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। यूसुफ को मैंने इतना गुड्स बेचा था, यूसुफ रिटर्न करता हाफ, तो नीचे सेल्स रिटर्न में करने का, तो यहां पर नीचे लिख रहा हूं 2015 मई 15। क्या करना है, इधर ओनली नाम लिखने का है यूसुफ, यूसुफ रिटर्न कितना लिखा है, क्रेडिट नोट नंबर भी लिखा हुआ है 21। आधा गुड्स यूसुफ रिटर्न करता है, आधा कर दो सबका, आधा इसका आधा कर दो तो 3800, इसका भी आधा कर दो 18 × 36 18525, फिर वहां पर भी आधा कर दो 3325 और इसका भी आधा करो 25650 बराबर। ये हो गया, यूसुफ रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न बता दिया। फिर आएगा 20 नंबर, फॉलोइंग गुड्स रिटर्न टू सानिया। देखो इधर, सानिया से हमने गुड्स परचेज करा था, फॉलोइंग गुड्स रिटर्न टू सानिया, तो हम सानिया को रिटर्न करते, तो परचेज रिटर्न के अंदर आपको बताने का 2015 मई 20 डेट, यहां पर ओनली नाम लिखने का है सानिया, फॉलोइंग गुड्स रिटर्न टू सानिया, कितना गुड्स रिटर्न करते, तो खाली लिखा हुआ है, ओनली क्वांटिटी बताइए, बॉल 10, बैट 5 और स्टंप कितना आएगा 3 बराबर। इधर वर्किंग करता हूं बराबर, ध्यान रखना ऊपर जैसे मालूम पड़े, ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह ध्यान रखना। क्या लिखा है, बॉल 10, 10 बॉल यहां पर, बैट कितना है, बैट 5 है और स्टंप 3 है बराबर, इतने रिटर्न करते। अब आप देखो, हमने सानिया से जब परचेस करा था पहला ट्रांजेक्शन, उसमें देखो प्राइस दी हुई है, बॉल की प्राइस कितनी है, स्टार्टिंग में देखो 150 रुपए लिखा हुआ है स्टंप की, फिर बैट की प्राइस कितनी लिखी है 800 रुपीज लिखा हुआ है, और स्टंप की प्राइस कितनी लिखी है 300 रुपीज लिखा हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन देखो लिखा हुआ है क्लियर कट, बॉल 150 रुपए, बैट 800 है और स्टंप 300 रुपीज है, मल्टीप्लाई करके कर लो तो 1500 रुपए का रिटर्न, इधर 4000 का रिटर्न और यहां पर 900 रुपए का रिटर्न, ये अमाउंट यहां पर लिखनी है। पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना कि जब भी हमने शुरुआत में जब गुड्स परचेस करा था सानिया से, तब याद करो ट्रेड डिस्काउंट था ऊपर, देखो हेडिंग में पहले नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर बुक में देख सकते हो 10% ट्रेड डिस्काउंट, जब गुड्स खरीदते समय ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं, तो याद रखना ये रिटर्न के टाइम पर भी कंपलसरी आपको ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तो 1500 का 10% 150 आएगा, तो 1350 रुपए जो बॉल में है ना वो आपको यहां पर लिखना है 1350, बैट में भी सेम 400 रुपीज, तो आएगा कितना 3600 रुपए आपको यहां पर बताने का है, और स्टंप उसमें 90 रुपीज माइनस करके 10%, 810 टोटल करोगे फ्रेंड, तो 36 ये सबका टोटल करो 0, 5 और 1, 6, 3 और 6, 9, 8, 17, 1, 2, 5, 5, 7, 6, 0 फ्रेंड्स, ये भी 20 नंबर ट्रांजेक्शन यहां पर पूरा हो गया जो परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन था बराबर। उसके बाद 25 नंबर ट्रांजेक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल वेयर सोल्ड टू, क्या लिखा है, सहवाग, आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट, हाफ ऑफ द गुड्स परचेस फ्रॉम कपिल। देखो कपिल से जो गुड्स हमने परचेस करा था उसका आधा गुड्स हम क्या करते, रिटर्न करते, किसको सोल्ड, किसको करते, सहवाग को, तो आधा गुड्स यहां पर ध्यान रखना
हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न फ्रॉम, जो हमने परचेस करा था कपिल से वो गुड्स हम किसको बेच रहे, सहवाग को बेचते हैं आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बराबर 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कैलकुलेटर से अच्छी तरह काम करना। यहां पर मैं वर्किंग करता हूं, यहां पर 25 नंबर क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द गुड्स परचेस फ्रॉम कपिल, कपिल से जो आधा गुड्स परचेस करते हैं, बराबर आधा कर लो सबका, पर उसके अंदर लिखा हुआ है एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं और बेच रहे किसको, सहवाग को बेच रहे हैं। तो यहां पर अपने नाम लिखो सहवाग, अमाउंट खास ध्यान रखना, इसका आधा करो 4320, वापस फिर से वर्किंग करनी पड़ेगी, ये छोटी छोटी चीजें खास ध्यान रखना, इधर इंपोर्टेंट चीज क्या है, 4320 उसका आधा करोगे तो 2160 आएगा, इधर भी आधा करोगे तो 10,800 आएगा, और यहां पर आधा करोगे तो 1080 आएगा। बराबर ये जो आधा गुड्स कर दिया जो हमने कपिल से खरीदा था, उसके अंदर 20% प्रॉफिट ऐड करके हम सहवाग को बेचते प्लस 20% प्रॉफिट गिनो कितना होगा वर्किंग के अंदर, तो इधर आएगा 432 और प्लस करके हम बेचते 2592। बराबर यह अमाउंट यहां पर लिख दीजिए, सहवाग को बेचते 2592, सेम एज इधर भी 20% 10,800 का 20% करोगे तो इधर आएगा आपको 2160 प्लस करके आप इक्वल टू करोगे तो 12,960 यहाँ पर, और सेम एज यहाँ पर भी 1080 उसका भी 20% करोगे तो 216 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1296, इधर आपको बताने का है 1296, ये तीनों का टोटल करो 12960 प्लस 1296 और 2592, तीनों का टोटल करके यहाँ पर लिखोगे 16848, कितना आएगा 16848। गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने कपिल से परचेस करा था, हाफ ऑफ द गुड्स यहाँ पर सोल्ड टू सहवाग आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, तो जो हाफ गुड्स था सबका मैंने आधा कर दिया देख लेना इधर, और उसके अंदर 20% प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, और ये गुड्स मैंने सहवाग को क्या कर दिया यहाँ पर बेच। बराबर लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक में देखो ट्रांजेक्शन 27 नंबर क्या लिखा है, सहवाग रिटर्न All of the goods which we return to Kapil, जो गुड्स हमने सहवाग को बेचा था, सहवाग पूरी पूरा गुड्स वापस फिर से रिटर्न करता है, तो सेल्स गुड्स रिटर्न आता है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, तो ये पूरा जो भी अमाउंट है वो सारी अमाउंट आपको नीचे लिखनी है। बराबर 27, ऑल द गुड्स आर रिटर्न बाय सहवाग, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, हियर क्रेडिट नॉट नंबर इज नॉट गिवन, सो डैश All the goods, मतलब same amount, वापस फिर से नीचे sales written book के अंदर mention कर दो, 1296 total 16848। अब ये most important point अब आ रहा है, ध्यान रखना, जो सहवाग goods return करता है, बराबर हमने सहवाग को return करा था, देखना हमने सहवाग को goods बेचा था, profit add करने के बाद, बराबर सहवाग को goods अच्छा लगा नहीं होगा, तो सहवाग पूरे पूरा गुड्स वापस फिर से हमको क्या करता, रिटर्न, तो मैंने सेल्स रिटर्न में वो लिख दिया, और ये गुड्स हमने किससे खरीदा था, कपिल से। देखो यहां पर ट्रांजैक्शन के अंदर भी लिखो, देखो चेक लिखा हुआ है विच वेयर रिटर्न टू कपिल, तो हमने कपिल से खरीदा था और वो गुड्स हम रिटर्न करते कपिल को, दैट मीन्स परचेस रिटर्न के अंदर बताने का, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इधर अमाउंट ध्यान रखना, अमाउंट कौन सी चीज आएगी, अमाउंट ऊपर वाली चीज ध्यान रखना, ये अमाउंट मत लिखना सेल्स रिटर्न में, हमने देखो 2592 वो लिखा था, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट ऐड करके बेचा था, बराबर हमने जो खरीदा था क्या विदाउट यहां पर प्रॉफिट, तो ये अमाउंट आपको लिखनी की 2160 10,800 और उसके बाद कितना आएगा 1080, बराबर इन तीनों का टोटल करके आपको इधर बताने का है 14,040। ओके ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मोस्ट है 14040, ये तीनों का टोटल।
तो फ्रेंड्स यहां पर देखो ये सारे ट्रांजेक्शंस यहां पर पूरे हो गए और लास्ट 30 नंबर जिसमें लिखा हुआ है कैश परचेज और कैश सेल्स लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है नीचे नोट में लिख देता हूं और आप खुद भी लिख सकते हो, इधर जगह है नहीं, कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बराबर ही ध्यान रखना, नीचे नोट में लिख देना कि मे 30 इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन द, क्या लिखा है, सब्सिडियरी। जैसे सब पूरा हो जाए सबका टोटल यहां पर कर सकते हो, बराबर टोटल कर देना और लास्ट में लिख देना सामने टोटल क्रेडिट परचेज 27,431,320, इधर आएगा 93,600, इधर आएगा 15,660, इधर टोटल करोगे 580, 1,40,580। सेम एज नीचे टोटल यहां पर करो, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, इधर टोटल करोगे 3,510, 14,400, 1,890, इधर टोटल करोगे 19,800। सेम एज सेल्स बुक का भी टोटल कर लो, टू नाइन प्लस फोर फाइव फोर्टीन एट थ्री नाइन फोर्टीन वन फाइव ट्वेल्व फोर्टीन वन जीरो, कैलकुलेटर से अपनी तरह से चेक कर लेना, 6, 9, 15, 1, 9, 7, 16, 2, 18, 6, 19, 8 और लास्ट में टोटल 8, 4, 8, 16, 1, 7, 8, 9, 15, 1, 5, 10, 11, 1,15,648 सामने लिख दूं टोटल क्रेडिट सेल्स और नीचे सेल्स रिटर्न का भी उस तरह से आपको टोटल करना है सेम। इकतीस हजार 4,621 और इधर 8 सामने लिखते हैं यहां पर टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, टोटल क्रेडिट सेल्स। तो फ्रेंड्स तो इस तरह से यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर सब नंबर 14 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। बराबर ट्रांजैक्शंस ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट थे उसमें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो 27 नंबर का था, बराबर वो ध्यान रखना और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन के अंदर भी टेक्स्ट बुक में सब है, बराबर आप अपनी तरह से देख लेना। ओके थैंक यू।